सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले की गोला तहसील में भी छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की नगरी गोला गोकर्णनाथ है, जहां पर दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। गोला के गोकर्णनाथ के बारे में कहा जाता है कि सतयुग में लंका का राजा रावण भगवान शिव को यहाँ लाया था। देखिए रिपोर्ट। लखीमपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर जिसे कहा जाता है छोटी काशी, मंदिर का नाम है गोला गोकर्णनाथ। सावन में हजारों भक्त यहां करते हैं दर्शन। मंदिर से जुड़ी हैं कई मान्यताएं। सतयुग में रावण भगवान शिव को यहां लाया था। रावण द्वारा स्थापित हुआ है ये मंदिर। सावन का महीना चल रहा है और इस समय भक्त भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उनके धाम जाते हैं। कोई कांवड़ यात्रा में शामिल होकर तो कोई दूसरे तरीकों से भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी शरण में जाता है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले की गोला तहसील में भी छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की नगरी गोला गोकर्णनाथ है, जहाँ पर दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। गोला के गोकर्णनाथ के बारे में प्रचलित है कि सतयुग में लंका का राजा रावण भगवान शिव को यहाँ लाया था। प्राचीन कथाओं के अनुसार लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने रावण को वरदान मांगने को कहा। तो रावण ने कहा कि वो उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। ये सुनकर सभी देवता हैरान परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि शिव रावण के साथ चले गए तो सृष्टि का कार्य कैसे होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सोच समझ कर वरदान देने को कहा। इस पर शिव जी ने रावण से कहा, यदि तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। भगवान शिव ने रावण से कहा कि जहाँ भी मुझे भूमि स्पर्श हो जाएगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इस बात पर रावण सहमत हो गया। भगवान ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद रावण शिवलिंग को ले जा रहा था कि इसी दौरान भगवान शिव ने रावण को लघु शंका की इच्छा जगा दी। काफी समय तक बर्दाश्त करने के बाद रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने लगा। इसी समय भगवान शिव ने अपना वजन बढ़ा दिया और इससे चरवाहे ने रावण को आवाज लगाकर कहा कि अब वह इस शिवलिंग को उठाए नहीं रह सकता। रावण लघुशंका करने में व्यस्त होने के कारण सुन नहीं पाया। इधर चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण वापस आया और वो चरवाहे को मारने के लिए दौड़ा, चरवाहे कुएं में गिर गया। इसके बाद रावण ने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। इससे क्रोधित होकर रावण ने अंगूठे से शिवलिंग को जोर से दबा दिया। आज भी शिवलिंग पर रावण के अंगूठे का निशान है। रावण निराश होकर वापस लंका चला गया, जिसके बाद भगवान शिव ने चरवाहे की आत्मा को बुलाकर कहा कि आज के बाद लोग तुम्हें भूतनाथ के नाम से जानेंगे और मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारे दर्शन करने पर भक्तों को विशेष पुण्य लाभ मिलेगा। इसके बाद से श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए गोला के गोकर्णनाथ आते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव दर्शन को आने वाले लाखों भक्त शिवलिंग के दर्शन के बाद बाबा भूतनाथ के भी दर्शन अवश्य करते हैं। तो वहीं एक महीने तक चलने वाला चीटी मेला गोकर्णनाथ मंदिर के प्रमुख आकर्षकों में से एक है। ये मेला चैत्र के हिंदू महीने में आयोजित किया जाता है। अन्य शिव मंदिरों की तरह इस मंदिर में महाशिवरात्रि बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। श्रावण मास के दौरान गोकर्ण धाम का महत्व बढ़ जाता है। इस अवधि के दौरान लाखों भक्त पवित्र शिव मंदिर की परिक्रमा करते हैं। कांवड़ियाँ पहले खुद को शुद्ध करने के लिए तीर्थ सरोवर में डुबकी लगाते हैं और फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहाँ ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाया जाता है।
बाबा भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करने पर वो अपने भक्तों पर जरूर अपनी कृपा बरसाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीम। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच।